एक परम तपस्वी साधु ने बताया कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य को राजा का पद प्राप्त होता है, यहां तक कि देवराज इंद्र का पद भी प्राप्त कर सकता है। वो कौन सा कर्म है, क्या है वो कर्म? श्रोताओं, आप देख रहे हैं YouTube चैनल की अद्भुत प्रस्तुति। आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरीके की ज्ञानवर्धक कथाएं मैं आपको प्रसारित करता रहता हूं। तो आइए आज का ये अद्भुत और रहस्यमय वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, महाराजा जनक का दरबार लगा हुआ था। महाराज जनक माता सीता के पिता, उनका दरबार लग रहा था। बड़े बड़े विद्वान महाराज जनक की सभा में विराजमान थे। याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान बैठे थे, अष्टावक्र जैसे तत्वज्ञानी बैठे हुए थे, बड़े बड़े विद्वानों से सुसज्जित सभा। और उसमें एक प्रश्न निकल करके आया। महाराज जनक के मन में एक विचार आया। महाराज जनक को विधेयराज कहा जाता था, उस क्षेत्र को भी विधे कहा जाता था। विधे कहने के पीछे कई कारण थे, उनको किसी वीडियो में मैं बता दूंगा। महाराज जनक के मन में विचार आया कि मैं किस पुण्य के प्रताप से राजा बना। ये विचार राजा जनक के मन में गूंज रहा था। और अब वो राजा जनक सीधा प्रश्न तो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने सभासदों से प्रश्न किया कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा कर्म है जिसके प्रभाव से व्यक्ति को राज पद प्राप्त हो सकता है, यहां तक कि देवराज इंद्र का पद भी प्राप्त हो सकता है। क्या इस कोई ऐसा अनुष्ठान, कर्म या कोई कथा जिसको सुनने से यह फल प्राप्त हो जाए? यह बात सुनकर के सारी की सारी सभा चुम लगा जाती है, चुप हो गई। कोई भी विद्वान महाराज जनक के प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। श्रोताओं, महाराज जनक बार बार अपने प्रश्न को पूछ रहे हैं, तभी अष्टावक्र खड़े हुए। अष्टावक्र बोले, राजन ध्यान से सुनो। अष्टावक्र राजा जनक के गुरु थे, आपको यह भी बता देना चाहता हूं। अष्टावक्र राजा जनक से आयु में बहुत कम थे, लेकिन पांडित्य के कारण, उनके ज्ञान के कारण राजा जनक ने उनको गुरु मान लिया था। तो अष्टावक्र राजा जनक से बोले कि हे राजन, इसके लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुने। तुम तो मनुष्यों की बात कर रहे हो, मनुष्यों के लिए कर्म पूछ रहे हो, लेकिन उस कर्म के प्रभाव से जानवर भी राजपद प्राप्त कर सकता है। जीव जंतु हर प्राणी राजपद प्राप्त कर सकता है। राजा जनक बोले कि हे गुरुदेव, मैं आपके उत्तर को सुनने के लिए लालायित हूं, मुझे बताएं वो कौन सा कर्म है। अष्टावक्र बोले, राजन पूर्व कल्प की बात है, और इस सृष्टि लोक पर एक श्यार दंपत्ति रहा करते थे। श्यार और शारनी का जोड़ा किसी गांव के नजदीक जंगल था। प्राचीन समय में जंगल बहुतायत में थे, वहां रहा करता था। रहने के लिए उन्होंने एक गुफा बना रखी थी जमीन के अंदर, उसमें रहते थे। धीरे धीरे समय निकला और किसी एक लड़की के एक अवैध पुत्री का जन्म हो गया। कुमारी लड़की के एक पुत्री का जन्म हुआ। लोकलाज के कारण, लोकलाज सामाजिक मर्यादाओं के कारण, वो लड़की कुमारी थी, इसलिए उस नवजात पुत्री को अपने पास ना रख सकी, जैसे कुंती कर्ण को नहीं रख सकी, ठीक उसी प्रकार से उस पुत्री को नहीं रख सकी।
श्रोताओं, उस पुत्री को उसी शार की गुफा के ऊपर डाल करके वो लड़की अपने घर आ जाती है। अब वह नवजात बालिका थी, शारों की गुफा के ऊपर पड़ी हुई है। कुछ समय बाद श्यार और शारनी भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक नवजात बालक पड़ा हुआ है, अंगूठा पी रहा है। श्यार शारनी से कहने लगा, किसी निष्ठुर का काम है, देखो ये कितना छोटा बालक है, अभी जन्म लिया है और इसको यहां डाल दिया। शारनी बोली, महाराज मेरे बच्चे भी दो दो तीन तीन दिन के हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसे इन बच्चों के साथ पाल लूं। श्यार कहने लगा, इससे अच्छा काम क्या होगा, इसे खाने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि ये बालक है, इसलिए तुम इसका पालन पोषण करो। श्रोताओं, ईश्वर जिसे बचाता है उसे सृष्टि में कोई नहीं मार सकता, चाहे संपूर्ण संसार उसे मारने की सोचे, लेकिन जिसे ईश्वर बचाएगा, परमात्मा बचाएगा, उसे मारने वाला कोई पैदा हुआ ना होगा। वह पुत्री के भाग्य में जीना लिखा था और उसको श्यारों ने पाल लिया। श्यारनी उसको अपना दूध पिलाने लग गई। धीरे धीरे समय निकलता चला गया और वो लड़की वह धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। वही श्यारों के तरीके से रहना, उसी गुफा के अंदर सोना, जंगल से साग पत्ते फल खा करके अपना समय व्यतीत करना। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो रही है और श्यार की चिंता बढ़ती जा रही है। श्यार श्यारनी से कहने लगा कि श्यारनी, ये मानव पुत्री है और इसका विवाह हमें मानव समाज में ही करना होगा, परंतु करें किसके साथ, हमारी ये पुत्री परम सुंदर है, इसके समान सुंदरी इस दुनिया में नहीं है, ये अद्भुत सुंदरी है। ये बात सुनकर के श्यारनी बोली, महाराज फिर तो इसका विवाह हमें किसी राजा के साथ करना चाहिए। श्यार बोला, रानी, श्यार बोला श्यारनी से कि श्यारनी, हमारे पास राजा को देने के लिए क्या है, कि महाराज देने लेने की बात नहीं होती, यदि राजा जब इसकी सुंदरता देखेगा तो विवाह के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए कोई अच्छे राजा की तलाश करो। श्यार ने राजा वज्रसेन के बारे में सुन रखा था, बज्जी नरेश थे वज्रसेन। श्यार बोला, तब तो हमें महाराज वज्रसेन के पास चलना चाहिए। श्यारनी बोली, ठीक है, दोनों में एक मत हो जाता है। उस लड़की से बोले कि पुत्री, अब तू मानवों में प्रवेश करेगी, मानव बस्ती में चलेगी, इसलिए तेरा ये शरीर है नंगा है, इसको इन पत्तों से ढक ले। तो उस लड़की ने अपने बदन को पत्तों से ढक लिया और श्यार और श्यारनी दोनों लड़की का विवाह करने के उद्देश्य से चले जा रहे हैं महाराज वज्रसेन के यहां। महाराज वज्रसेन का भव्य दरबार लगा हुआ था, बड़े बड़े ज्योतिषी ब्राह्मण मंत्री विराजमान थे। श्यार और श्यारनी कई रोज का सफर करने के बाद पहुंच जाते हैं महाराज के दरबार में। जब श्यार को महाराज ने देखा तो महाराज वज्रसेन बोले, अरे जंबू राजा, देखो श्यार को भी एक उपाधि प्राप्त है, तुम कैसे और किस प्रयोजन से हमारे दरबार में आए, तुम्हारे आने का कारण कहो। श्यार कहने लगा, महाराज मेरे आने का कारण बड़ा स्पष्ट है, मैंने एक मानव पुत्री का पालन पोषण किया था, ये नवजात बालिका मुझे मेरी गुफा के दरवाजे पर मिली, मैंने इसको अपनी पुत्री से भी बढ़कर पाला और अब ये विवाह के योग्य हो गई, मैं इसका पालक पिता हूं, तो मेरा यह धर्म है कि मैं इसका विवाह करूं, परंतु मैं जानवर हूं, जंतु हूं, इसलिए मानव
पुत्री है तो मानव समाज में विवाह करूं। इसकी सुंदरता देखकर के विचार आया कि महाराज वज्रसेन के पास चलना चाहिए, तो इसलिए राजन मैं तुम्हारे पास चला आया। राजा ने जब उस लड़की को देखा तो एक अलौकिक सुंदरी थी, दिव्य स्वरूपा, चंद्रमा की किरणें भी उसके सामने लज्जित हो रही थी। उसे देखकर के राजा प्रसन्न हो उठा। राजा बोला, हे जंबूराज, हम तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हैं। सभी आचार्य ब्राह्मण उस पुत्री को देखकर के, सभासद देखकर के खुशी से झूम उठे कि ये तो महाराज के महलों के लायक ही है। राजा बोले कि हे जंबूराज, विवाह की तैयारियां की जाएं। कि राजन, मैं तो एक जानवर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल पुत्री लेकर के आया हूं, इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूं। ये बात सुनकर के राजा बोले, ठीक है। राजा ने मंडप सजवाया, दिव्य वस्त्र मंगवाए, उस लड़की को पहनाए और स्वयं ने धारण किए, विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा हवन रचाया गया और जो स्यार की पुत्री थी उस पुत्री का विवाह महाराज वज्रसेन के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न करा दिया गया। जब विवाह हो गया तो स्यार और स्यारनी को प्यास लगने लगी। स्यारनी बोली, महाराज मेरा गला सूखा जा रहा है। स्यार कहने लगा, स्यारनी, इस जगह हमने पुत्री का विवाह कर दिया और हमारा ये धर्म है कि हम इस नगर का तो पानी भी नहीं पी सकते। देखिए श्रोताओं, कैसा समय था। उस समय भारत विश्वगुरु था, ये सोच यहां के जानवरों में भी थी कि पुत्री का तो वो पानी पीना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आजकल के पिता ऐसे हैं कि पुत्री का सारा माल हड़प जाए तो भी कोई संदेह नहीं है, ये जमाना है। श्रोताओं, राजा वज्रसेन ने स्यार और स्यारनी को रोकने की कोशिश की, परंतु बोले कि राजन, अब हम आपके यहां नहीं ठहर सकते, आपके यहां हमने पुत्री का विवाह कर दिया और हम अपने जो हमारा मूल स्थान है वहीं जाएंगे, वहीं जल ग्रहण करेंगे। स्यार की बात सुनकर के राजा कहने लगा कि इन्हें सम्मान सहित विदा कर दिया जाए। स्यार और स्यारनी महाराज को प्रणाम करके अपनी पुत्री का दान करके चल देते हैं। हे राजा जनक, ध्यान से सुनो। स्यार और स्यारनी जब वज्रसेन की नगरी से बाहर निकले तो प्यास तो पहले ही लग रही थी, गर्मी का मौसम था, एक रेगिस्तान में फंस जाते हैं और रेगिस्तान में एक मृग तृष्णा होती है, मृग मरीचिका होती है, दूर से देखने पर रेत ऐसी लगती है मानो पानी भर रहा है। स्यार और स्यारनी ने सोचा कुछ दूरी पर पानी है, उसके पीछे भागते हैं तो वहां भी रेत थी। इस तरीके से उस मृग मरीचिका में फंस जाते हैं, रेत के टीलों में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत नजदीक जल है, लेकिन वह पानी था नहीं। स्यार और स्यारनी उस रेत में दौड़ दौड़ करके प्यासे मर जाते हैं, दोनों अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। परंतु हे महाराज, उन्होंने तो एक दिव्य कर्म किया था। जो व्यक्ति ऐसे दिव्य कर्म करता है, किसी गरीब की पुत्री का विवाह करता है, किसी असहाय पुत्री का विवाह करता है, किसी माता पिता विहीन पुत्री का विवाह करता है, हे राजन, उसको तो राजा बनना तय है। यही एक ऐसा दिव्य कर्म है जिसके प्रताप से राजयोग कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। हे राजन, उसी पुत्री के कन्यादान के प्रभाव से महादान कहा गया है कन्यादान को। आप किसी की लड़की के विवाह में यदि 100 रुपए दान करते हैं तो वो 1000 गुना लगते हैं आपको।
ये वेद शास्त्रों की बात है। उस कन्या के विवाह के प्रभाव से दोनों राजकुलों में जन्म लेते हैं और कहा जाता है कि वही स्यार महाराज सगर के रूप में अवतरित हुए, जो कि अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशीय परम प्रतापी राजाओं में गिने जाते हैं। और वह स्यारनी भी महाराज की रानी बनी, महाराज सगर की महारानी बन जाती है। महाराज सगर को और महारानी को यह याद था कि उन्होंने एक पुत्री का विवाह किया था, एक मानव पुत्री का विवाह किया हिंदू रीति रिवाज से, और उसके पुण्य के प्रताप से उन्हें आज राज मिला है अयोध्या नगरी का, यह वो जानते थे। उन्हीं के प्रताप से सोच रहे हैं, उसी के प्रभाव से हम राजकुलों में पैदा हुए। राजा सगर से महारानी कहने लगी कि राजन तुम भगवान ब्रह्मदेव की आराधना करो और उनसे 60,000 पुत्री मांग लेना। देखिए श्रोताओं, राजा सगर ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और जब तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो ब्रह्मदेव तो वरदान देने के लिए आ रहे थे और उसी समय देवराज इंद्र का सिंहासन डोल गया, देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया कि यदि राजा सगर ने 60,000 पुत्री मांगी तो एक पुत्री का विवाह करने के प्रताप से यह एक स्यार था और स्यार से मानव योनि प्राप्त हुई और वो भी उच्च कुली राज कुल में जन्म हुआ और प्रतापी राजा बना, और यदि 60,000 पुत्रियों ने इसके यहां जन्म लिया तो निश्चित देवराज इंद्र का पद छीन लेगा। इस डर से देवराज इंद्र ने माता सरस्वती को बुलाया और माता सरस्वती को अपनी व्यथा सुनाई। माता सरस्वती ने जब देवराज इंद्र की बात सुनी तो माता सरस्वती सहायता के लिए आती है और राजा सगर की जीभ पर बैठ जाती है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, राजन मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। राजा सगर बोले कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 60,000 पुत्र दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। तपेश्वरी जो राजेश्वरी और राजेश्वरी वो नरकेश्वरी, ये तो प्रकृति का नियम है कि अब तेरे 60,000 पुत्रों के प्रताप से तू अधम गति को प्राप्त हो जाएगा, तू इसी मानव योनि में रह जाएगा, दिव्य इंद्र का पद कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। राजा सगर को ध्यान हुआ, बोले कि नहीं ब्रह्मदेव, मुझसे गलती हो गई, मैंने तो 60,000 पुत्री मांगी थी। ब्रह्मा जी बोले, राजन ब्रह्म वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता, तुमने जो मांग लिया वो अवश्य होगा, तुम्हारे 60,000 पुत्रों का जन्म होगा, जाओ राजन, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा उदास मन से आ जाते हैं और फिर राजा सगर के यहां 60,000 पुत्रों का जन्म होता है। तो हे राजा जनक, क्या तुमने राजा सगर की कहानी नहीं सुनी? क्या राजा सगर के बारे में नहीं सुना कि राजा सगर एक असहाय पुत्री का विवाह करके एक स्यार से राजा बन गए थे? इसलिए कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य किसी गरीब की पुत्री का विवाह करता है, किसी असहाय की पुत्री की शादी में मदद करता है, कुमारी कन्याओं के विवाह करवाता है सम्मेलनों द्वारा, वो निश्चित ही राज योग प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए श्रोताओं, ये बात सुनकर के महाराज जनक की वो जिज्ञासा शांत हो गई कि कौन से कर्म करने से राज योग मिल सकता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि वो हमारा ये वीडियो सुन सके। श्रोताओं, अब इसी के साथ
ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।